तलाक देता हूँ लेकिन मेरी जिंदगी चला जाए। पगर पहुंच गए, बाकी इधर का मौसम देखो यार, क्या ही मौसम है, क्या बोले यार, उधर इतनी गर्मी, यहाँ पे देखो मूड़ी को, तो मूड़ी ने काटा था उधर मुझे रूम पे, बड़े कोई 3 दिन हो गए आज। अच्छा वेदर है अभी और इतनी सही सही हवा चल रही है, धूप भी है। कल गाज ने सही मॉल बनाया है। यार ये मत करो यार, क्या हाल चाल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है, शुक्र है, शुक्र है उस खुदा का आप आगे। नहीं यार वे क्या मजा नहीं आता है जो इधर, इस बंदे ने कितनी बड़ी चीज खाई मेरी, ये देखो भाई, देखो भाई बाइक लिए बंदे ने और मेरे को बताया तक नहीं मैं बाइक। तो गाइस यार अभी पहुंच गए हम बग्गर में, तो बग्गर में अब खाना अभी खाना नहीं, क्योंकि अब टाइम अभी कितने टाइम कितना हो रावल 8:30। तो गाइस यार 8:30 बजे, तो 8:30 बजे क्या ही खाना भी खाना है, तो अभी थोड़ा सा तो बचे अभी, तो घर जाके ही चाय पियेंगे अब। तभी धूप हुआ है क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जम्मू में इतनी गर्मी थी, रात को मैंने सुबह आज घर जाना था, रात को मैं सोया 9 बजे लाइट गई, उसके बाद लाइट आई नहीं और इतनी गर्मी थी कि मैं बोलूं क्या, मच्छर काट रहे थे, पसीना आ रहा था, ना नींद ना कुछ, इतनी परेशानी हुई, मैं इतना गुस्सा था मैं कि ना मैं अपने आप को गाली दे सकता था, इतना गुस्सा था कि मेरे से क्या दुश्मनी है, मैं भगवान पे गुस्सा करूं, अपने आप पे करूं कि मेरे साथ क्यों, लाइट भी नहीं है, घर जाना था, सोता दो घंटे के लिए सोता आराम से, 4 बजे निकलना था लेकिन पूरी रात लाइट नहीं आई, बैटरी 20% थी फ़ोन में और उसी 20% से अभी तक वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि अभी इसमें बची 18% बैटरी और उसी से मैं अभी शूट कर रहा हूं, 20% से मैंने शुरू किया था, मतलब 4 बजे के बाद इसके 20% बैटरी और उसी से अभी मैं चल रहा हूं। तो यार क्या ही बोले, किस्मत जब ख़राब होती तो रात को, लेकिन बहुत परेशानी हुई मुझे, तो इसलिए 4 बजे नहीं तो मैं पहले ही निकल गया, कि वैसे भी अभी तो बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम बग्गर पहुंच गए, बाकी इधर का मौसम देखो यार, क्या ही मौसम है, क्या बोले यार, उधर इतनी गर्मी, यहाँ पे देखो वादियाँ, इतनी मस्त वादियाँ हैं कि तभी हम थोड़ा सा बैठे इधर धूप सेक रहे हैं, क्योंकि यार बाइक में ठंड लग रही है इधर बहुत ज़्यादा, उधर क्या थी रात को बुरी हालत मेरी गर्मी से पसीने से, तो इधर अभी ठंड लग रही है, हमें थोड़ा सा धूप का एंजॉय कर रहे हैं और खाना भी खाना कि नहीं खाना, अब राहुल भाई से पूछते हैं, यार राहुल भाई क्या करना है, खाना कुछ कि नहीं देखते हैं आगे, लेकिन यार क्या मौसम, यार मौसम देख रहे हैं यार क्या ही है, यार ठंड लग रही है बंदे, मैंने तो लगाई थी उधर से शर्ट, मैंने पहले ही लगाई थी लेकिन बंदे ने चलते चलते लगाए, बोल रहे यार ठंड लग रही है, मौसम सुहाना है भाई गड़े यार, मैं सही हूँ लेकिन ये हरियाली भाई गड़, हद यार हद, जन्नत लग रही है आज मुझे इधर आके, इतना ज़बरदस्त मौसम, इतना बढ़िया, ये वादियाँ देखकर यार क्या ही बोले, अब मज़ा आ गया, मैंने वॉश की थी बाइक पूरी लेकिन अभी ख़राब हो गई है, फिर से करानी पड़ेगी, वो खलानी में बड़ी बुरी हालत है, लेकिन वो खलानी में इतनी अभी उधर वो बर रहा है, टनल बर रहा है, तो उधर वो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी, पूरे टायरों की फिर से कीचड़ हो जाएगा, अभी तो चलो फिर भी ठीक है लेकिन उधर मुझे लगता है बहुत बुरी हालत हो जाएगी, तो चलिए गाइस अब चलते हैं आगे। सबसे बड़ा नाला जो है ना ये बंदा है, इस नाले ने इतना हमें इतना वेट कराया इधर, नहीं ये क्या चक्कर गया, ऑटो भेजा थे हमने कब बोला कि हम आधे घंटे में पहुंचने वाले, उतरी नहीं है, नहीं हम क्या इधर पागल बैठे हैं क्या, जो तेरा इंतजार इतने धूप में कर रहे हैं, गेंद्रो है, हम ऑटो भेजने वाले थे कि बंदा नहीं आ रहा, तो क्या करें, बंदे को कभी भी आप मतलब नहीं दे सकते कि नहीं आज ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, चक्कर क्या है, बोलना क्या प्रॉब्लम किधर है, काम को मैंने लगाई ना देसी, अच्छा हो गया उसे काम खराब हो गया है, अब देखो और फिर इसी की शक्ल दिखती, नहीं ये क्या चक्कर यार राहुल, घूम फिर के फिर इसकी शक्ल दिखती है हर जगह पर, तेरा प्रॉब्लम किधर भाई, मेरी जिंदगी से कब चला जाएगा तू, है मैं तलाक देता हूँ लेकिन मेरी जिंदगी चला जाए। तो गाइस यार अभी पहुंच गया हूँ घर पे, क्योंकि रास्ते का वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि बैटरी लो थी फोन की, आपको पता मैंने पहले ही बताया था कि बैटरी लो है, तो मैं अभी घर पहुंच गया हूँ, खाना भी खाया मैंने, मम्मी से मिले लेकिन अभी पापा से नहीं मिला क्योंकि वो सोए थे, तो अभी पापा जागे हैं, तो चलिए इनका रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि मम्मी को तो पता था कि मैं घर आ रहा हूँ, पापा को कोई पता नहीं था, तो अभी मैं भी सोया था और थोड़ा सा रेस्ट किया था, फोन चार्ज किया है, तो आओ चलते अभी पापा से मिलते हैं,
क्या रिएक्शन रहता है, आ जाओ। तो ये मम्मी वीडियो बना रही है अभी। आपको पता था कि मैं घर आ रहा हूँ? कहाँ था पता, मुझे पता ही नहीं था वो आ रहा है। इधर मैं रोटी खा रहा था, उसमें मैंने कहा वो आया है, सोया है, ये कुछ क्या चीज़ टूटा है, पता नहीं क्या है, तो मुझे तो पता नहीं किसकी बात है। वो ठीक हो ना? बस ठीक है जी, ठीक है। तो चले गए तभी, मिल गए पापा से। पापा को तो बड़ी खुशी हो रही है, थोड़ी देर से नहीं हो रही, कोई पता नहीं है। बहुत हो रही है, बहुत हो रही है अभी, है बहुत खुशी हो रही है। बाकी चलो यार, मैं आ गया घर पे, तो जम्मू से तो बहुत अच्छा है इधर, क्योंकि गर्मी बिल्कुल ही नहीं है। नहीं गर्मी तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी आपको क्या हुआ था, लाइट बंद थी। इधर तो मुझे लग रहा है जैसे एसी लगे, चारों तरफ एसी लगे, हवाएं आ रही, ठंडी धूप है, हवा चल रही बाहर। तो बाकी मम्मी से मिल गए और मम्मी वीडियो बना रही है अभी। तो बाकी घर पे तो आज कोई नहीं है, बस चलिए अभी देखते आगे का प्रोग्राम कैसे है। तो ये है कि अभी घर पहुंच गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी, अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। तो चलिए अभी देखते हैं आगे कितने देर रुकते हैं इधर और कैसे कैसे एंजॉय करते हैं। एंजॉय तो इस बार हम बहुत करेंगे, घूमने भी जाएंगे। तो चले गए जी, देख सकते मम्मी। यार मम्मी का तो क्या ही बोले, मम्मी तो कोई आज दिन में कोई 1000 फोन किए, कहाँ पहुँचा, कहाँ है, कहाँ अभी कितना टाइम लगेगा। तो घर पे तो हम पहुँच गए थे कोई 11 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि आराम से निकले थे तो रास्ते में रुक रुक के, तो 11 बजे पहुँचे थे। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया, तो अभी मैंने बाल शाल तो कुछ नहीं किया, थोड़ा सा फ्रेश होगा तो फिर देखते अभी शाम के लिए क्या। लड़के बोल रहे थे गेम खेलने फिर वॉलीबॉल के लिए, तो अभी खुश हो अभी नहीं आया मैं घर पे, बहुत नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। आप सारे कुछ नाराज जैसे लग रहे हो। नाराज कब की बोल रही, वाह वाह वाह। अच्छा तो क्या आज शाम के लिए क्या है कोई खास मेरे लिए, कुछ बनाया है? बनाओ फिर कुछ ना कुछ, जब बुलाया मेरे को तो बोला आलू शालू बना। हाँ बस भाई आलू शालू बनाओ मेरे लिए भाई, बस मैं आलू खाने आया इधर, उधर से है उधर से जब उसे आलू खाने आया हूँ इधर, मैंने सोचो कुछ अलग जैसी चीज बनाओगे तो आलू क्या बात है, न्यूट्री आलू बनाएंगे मेरे लिए जब मुझे इधर वो खाने आया। देखा गया किस रोड के, चलो खिलाओ अब आपकी मर्जी। उधर अकेला होता था मैं कुछ भी खाता था जैसा। हाँ छड़ी मैगी, मैगी सुनो अच्छा। अब आपकी मर्जी है, अब ये कि जितने दिन मैं घर में हूँ तो अब खाने पीने की टेंशन नहीं, आराम से मिलेगा, सोएंगे बेड पे मिलेगा हाथ है और क्या लाएंगे। चलो वो तो फिर करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे इंतजाम। तो मुड़ी को, तो मुड़ी ने काटा था उधर मुझे रूम पे बड़े, कोई 3 दिन हो गए आज। तो अभी मम्मी आज कल लगा रही है इधर लोहा, उस टाइम लगाना होता है तो उस टाइम मैंने ऐसे ही किया जुगाड़, तो थोड़ा सा जख्म बना है तो उसी की शायद थोड़ी खुजली हो रही जख्म की। अरे मम्मी चाकू लगा रही, इसका कोई फायदा ही नहीं है अभी, चलो कर ले तो अब क्या ही बोल सकते हैं, अब इनके हाथ में जो भी है। जब तक घर पे हूँ तो अब जेर तो वो उस टाइम होता जब काटती वो, तो अब उसको 3 दिन हो गए तो अभी लगा रहे फिर दोबारा सीधा सीधा साइड लगा रहे थे, काटना था अभी यार पापा ने काटा अभी वाटर मिलन। तो ऐसे अब बाहर का मौसम जैसा है अभी, तो जैसे जम्मू भी खाते हैं लेकिन उधर पसीने से बुरी हालत हो जाती है। तो इधर अभी इतना अच्छा हवा चल रही बाहर, अभी मैं आपको हवाएं दिखाता हूँ बाहर की। ये देखो यार कैसा मौसम, यार हवा देख सकते हो यार कितना अच्छा वेदर है अभी, और इतनी सही सही हवा चल रही है, धूप भी है, न ठंड है न गर्मी है, तो बहुत अच्छा मौसम है। तो इसमें ये देखो मम्मी ने क्या किया है यार, तो इसमें इसको खाने का जो मजा आता है तो बहुत अच्छा आता है। तो पापा तो अभी खा रहे हैं, कैसा है? ठीक है, बहुत खाया मैंने यार ये पहले भी, लेकिन टेस्ट कैसा है? अच्छा, मैंने सोचता कि पका नहीं होगा लेकिन ठीक है। लेकिन यार अपना गाँव अपना भद्रवाह
क्या ही बोले यार, बहुत मजा है, ऐसा नहीं हो सकता कहीं पे, इतना अच्छा मौसम है और इसका इसका खाने का मजा एक्चुअली ऐसे आता है, वो नहीं कि खाओ टेस्ट टेस्ट का मजा नहीं आता, जो नेचर में वेदर होता है उसमें खाना का मजा कुछ अलग होता है। तो चलिए खा रहे हैं हम अभी, मतलब कल या परसों हम घूमने जाएंगे यार, एंजॉय करेंगे पूरा इस बार। तो गाइस यार अभी आया हूँ ग्राउंड में, क्योंकि यार लड़के फोन तंग करते खेलने आ जा खेलने आ जा, तो मैं भी चलो बहुत टाइम के बाद खेलने आया हूँ, क्योंकि यार वॉलीबॉल जो मेरा फेवरेट गेम है वो, तभी मैं खेल आया हूँ। अब लड़कों से पूछूंगा कि कैसा लग रहा है, तो आ गया हूँ मैं ग्राउंड में। तो जैसे आप देख सकते हो लड़के यहाँ पे आ चुके हैं, अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो बाकी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा अपने जो भी। ओ यार यहाँ पे हमारे विशु जी, ओ सर कैसे क्या हाल चाल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है उस खुदा का आप आ गए इधर। नहीं यार वे क्या मजा ही नहीं आता जो इधर मजा ही, ग्राउंड बिल्कुल सुना पड़ गया नहीं यार, नहीं यार ये लड़के यार इन्हीं इन्हीं के लिए आया हूं मैं, यही है वो, कौन यही है, यही है वो, ये लड़की चोर यही है। ठीक है ना सब, इसको मार पड़ी थी ना परसों गर्सू में, नहीं सच में ये वही है, इसको मार पड़ी थी, चिल्लू ड्राइवर है ये, नहीं सच बोल रहा है ये, नहीं ये ये बचा नहीं, क्या बोल रहा है, सच में मार पड़ी थी लड़का यार, इसको मैं क्या बोलूं, ये दिल से बहुत इमोशनल लड़का है ये, इसको प्यार करो सारे, इसको इसको प्यार करो सारे। ओए फिर गेम कब स्टार्ट होगी? बस कोई 5 मिनट में हो जाएगी, तो मैं खेलूंगा नहीं, बिल्कुल आप बूस्टर हो मेरे यार। अच्छा बिल्कुल यार खेलेंगे आज यार, बहुत टाइम के बाद खेलने का, वैसे भी मेरा मन कर रहा था। ओए तुम तीनों में से कैप्टन कौन है? तू है इधर 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 मैं अपना नाम नाम बता। मेरा नाम शिवम कुमार। अच्छा तो इन लड़कों को क्या क्या सिखा रहे हो अभी? हम वॉलीबॉल कोचिंग दे रहे हैं। कोचिंग दे रहे हो जी? अच्छा कितनी एज है आपकी? मेरी 17 साल। 17 साल में आप कोचिंग कर रहे हो अभी? अच्छा तो कि कोई सर्टिफिकेट है आपके पास कोचिंग का? जी मेरे पास 2-3 सर्टिफिकेट। तो ये रैप क्यों कर रहे हो? ये जी पीछे पीछे रैप का ये वो क्यों कर रहे हो? रैप मैं रैप नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा चलो रैप सुना दो यार, आज यार रैप सुना दो। देने मेरे को इतना परेशान किया कि यार ग्राउंड में मैंने सोचा कोई इसकी होगी, कोई गर्लफ्रेंड आई होगी, मैं उसके साथ बातचीत करेंगे। ये देखो जी ये इधर खेलने का प्रोग्राम है, ये तो मुझे भी चलो यार आज खेलने का मन कर रहा है, लेकिन बंदे ने सही माहौल बनाया। और लेकिन इधर ऐसे बंदे हैं जो मतलब इतने नेशनल खेलते हैं लेकिन अभी बिजी है। ये देखिए मतलब इनको फोन नहीं छोड़ सकते, ये आप चाहे जो कर सकते हो, मतलब इनको यही है कि फोन इनके पास है तो सब कुछ है, नहीं तो ये मर जाएंगे एक दिन भाई, मर जाओगे तुम साले आजकल के नल्ले फोन में ही मर जाओगे। गाइस यार वॉलीबॉल खेलते अभी, क्योंकि मजा तो बहुत आने वाला है लड़कों के साथ आज, बहुत टाइम के बाद अब आज खुल के हंसेंगे। यहाँ होल्डर यार दाढ़ी देखो होल्डर की कितनी है यार, जवान हो गया लड़का, नहीं दाढ़ी आज बंदे की देखो यार। बाकी हमारे बब्बू अरुण जी कहाँ से गए यार? ये क्या हाल है? आप तो कहीं इधर भीड़ में छुपके क्यों बैठे थे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं छुपे, हम देखो हम बिल्कुल अलग अलग बैठे। अच्छा हम आपको देख रहे थे, आप थोड़ा इंटरव्यू ले रहे थे। और बताइए यार क्या हाल चाल है? ठीक है ना यार, वॉलीबॉल का आज ने सही मोल बनाया है। ये यार ये मत करो यार, ये गंदी हरकतें मत करो यार लड़ बच्चों के साथ, ये कल की इसको खोलोगे यार, ये बेचारा ये भी छोटा लड़का अभी, ये पहले खजल हो गया साले को, ना बाइक मिल रही ना छोकरी मिल रही है ये साले आजकल के। नहीं आरू जी आप अभी मैच अभी जो हो रहा है बंदा है ये भाग रहा है तो यार, इधर ऐसे बोल रहे हम, हाथ मिला लास्ट बार, नहीं ये आई लव यू यार। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे को पता नहीं है वो इस नल्ले को पता है। नहीं कहाँ ले जा रहा मुझे अभी, कहाँ ले जा रहा यार मैडी, अभी मैच खेल रहे थे अभी। अच्छा तो यार पता नहीं क्या लाया अभी, नहीं कोई प्रोग्राम है कि कुछ और है? तो चल यार गाइस पता नहीं क्यों मेरे को ले रहा साथ में, अभी गेम खेल रहे थे, गेम छोड़ के बोल रहा कुछ दिखाना मैंने सर पे लड़की है क्या है, चलो देखते गाइस अब क्या है। तो गाइस मतलब अब मैं क्या बोलूँ, इतना मुझे अब गुस्सा भी आ रहा है और खुशी हो रही, लेकिन बंदे ने मेरे से इतना गलत छुपाया है, मतलब अब क्या बोलूँ मैं, नहीं मेरे से तूने ये बात छुपाई है। इस बार आपको दिखाओ ना इस बंदे ने कितनी बड़ी चीज छुपाई मेरी, ये देखो भाई, देखो भाई बाइक ली है बंदे ने और मेरे को बताया तक नहीं मैं बाइक ले रहा हूँ, नहीं इतनी दुश्मनी थी कि क्या था, इतना प्यार था कि तू खुश हो जाएगी मेरे भाई ने बाइक ली है। नहीं तो मैं देख रहा था, मैंने पहले से बोला क्योंकि इसको था कीड़ा बाइक लेने के, लेकिन मैंने बोला था कि नई बाइक लेंगे,
लेकिन बंदे ने कब बाइक ली है मेरे को कुछ पता नहीं रखा। चलो यार, खुशी तो मुझे बहुत हो रही, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि बंदे ने बताया नहीं। लेकिन बाइक देख सकते हो यार, इतनी अच्छी बाइक, और मैंने इसको पहले ही बोला था कि यही बाइक लेना, लेकिन ये आप ये बोलता कभी हो कभी हो, लेकिन बंदे ने ये ली, मेरी फेवरेट बाइक है ये अपाची 164 भी है ये। चलो यार, मुबारक, खुशी होती है यार, लेकिन थोड़ा सा तुमने कि बताया नहीं है। नहीं, मैंने अभी देखा, मैंने देखा था चलाते, पर मैंने ये नहीं सोचा कि तूने ली है, मैंने सोचा किसी की पगड़ी होगी। बंदे ने मेहनत की है बाइक लिए यार, बड़ी खुशी हुई, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ दुख ये है कि बंदे ने बोला नहीं, मुझे नहीं बोला, किसी और को नहीं होता तब मुझे नहीं बोला। लेकिन चलो, इसको सरप्राइज देना तो मेरे को, लेकिन मुझे बहुत खुशी आज की इसने बाइक ली, और बाइक इतनी अच्छी ली है कि अब मेरी फेवरेट बाइक ही है। कोई है पार्टी बूढ़ी का प्रोग्राम नहीं है, ये देखो, ये देखो पार्टी, देखो ये देख रहा पार्टी क्या खिला रहा है, मिक्सर है पूरा। क्या बोलूं, बाइक को लिए खुशी है मुझे, लेकिन खाली हो अब मुझे एक ही दिन का, अब हो गया झोला लेकर अभी मुझे एक दिन का खुशी होगी, अब जब इसमें इसकी बीवी बैठी पीछे और स्पेशली मुझे पहले भी इसने बोला था कि यार घर पे कुछ भी नहीं है, कहीं जाना होता है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो चलो यार, खुशी है बाइक ली बंदे ने, चलो कोई नहीं, आराम से चलाना, क्योंकि नई बाइक है, अभी पावरफुल इंजन है इसका, तो आराम से चलाओ, और ठीक बाइक यार, अच्छी बाइक है यार। इस बंदे ने, चलो खुशी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, बताया नहीं, चलो ठीक है कोई बात, इसका अपना था सरप्राइज देने का, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा बाइक ली इसने। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही था, ये पूरा व्लॉग आज कल से परसों जब से मैं घर आए तो इस व्लॉग को करता हूँ एंड, कुछ भी आपको अच्छा लगा उस व्लॉग में, कोई भी क्लिप अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं ऐसे तगड़े से व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नमस्कार।